हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस एन चौधरी फिजिक्स क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक मेजरमेंट, हाउ टू मेजर EMF, हाउ टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस इन ए सर्किट। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज दीज टॉपिक्स आर ऑलवेज इसेंशियल फॉर लैब वर्क। इन लेबोरेटरी यू यूज स्लाइड मीटर या मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये सारे के सारे इसी पर डिपेंड हैं। और इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को बड़े अच्छे ध्यान से देखना है। जनरली किरचॉफ्स लॉ किसी से कहता है स्टेट करो, तो लोग का एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, दैट इज ओके। लेकिन इतना लिखने से नहीं आते हैं, कभी कभी ये 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं। 3 मार्क्स में सिंपल क्वेश्चन दे दिया, स्टेट किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक मेजरमेंट। किरचॉफ्स के और भी लॉज हैं, इसलिए केवल किरचॉफ्स लॉ बोलने से काम नहीं हुआ। क्या बोलना पड़ेगा? किरचॉफ्स रूल्स ऑफ इलेक्ट्रिक मेजरमेंट। इलेक्ट्रिसिटी में हम इसका कौन सा रूल है ये हम यूज करते हैं यहाँ पर, तो इसमें इंट्रोडक्शन देना है। अब बुक में नहीं दिया हुआ रहता है, अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले यहाँ पर इंट्रो लिख दो, पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन। ऐसे जैसे लिखता हूँ बेटा पेपर में ऐसे लिखना, और तब मार्क्स की गारंटी मैं देता हूँ। जिस तरह से मैंने लिख दिया है, यदि इस तरह से आप पेपर में डाल देते हो, 3 में से 3, 5 में से 5, 2 में से 2 नहीं मिले, यू कैन कॉल मी। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन में दिए, देख लो, इन 1942 किरचॉफ्स पुट फॉरवर्ड टू लॉज टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स। टू लॉज इन इंट्रोडक्शन में लिए किरचॉफ्स रूल्स फॉर इलेक्ट्रिक मेजरमेंट। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में इन 1942 किरचॉफ्स पुट फॉरवर्ड टू लॉज टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। मान लो कई सारे सर्किट, करंट इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इनमें हम रेजिस्टेंस कैसे मेजर करें, इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करें, इसके लिए तो पुट फॉरवर्ड कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। These laws are called Kirchhoff's laws of electric measurement, Kirchhoff's law of electric measurement, ये हम इसको कहते हैं। इसी इंट्रोडक्शन में पार्ट 1 कर दिया आपने। बी में टू लॉज आर, पहल फर्स्ट इसमें हमने बना दिए हैं, ऐसे इंट्रोडक्शन दे डाल के टू लॉज आर। फर्स्ट किरचॉफ्स करंट लॉ। सेकंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। शॉर्ट में इसी को हम कहते हैं KCL, हम बार बार यूज करेंगे KCL, इसको कहते हैं KVL। आगे यहाँ तक समझ में? इंट्रोडक्शन में आप ये दे दिए, फर्स्ट पॉइंट हैव यू नोटेड। अब आप आ जाओ फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड में। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेट किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक मेजरमेंट। हाँ,
कहोगे सर ट्वेल्थ में किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक मेजरमेंट लिखा नहीं रहता है, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास में किरचॉफ्स का यही एक लॉ है। लेकिन यदि आपको पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स एलेवंथ क्लास में, तो वहाँ किरचॉफ्स टेम्परेचर लॉ वाला भी है, तो इसलिए वहाँ पर आप उलझ जाते हो, यहाँ पर स्पेशली देते हैं। सेकेंड में हम आपको लिख रहे हैं किरचॉफ्स, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और इसी को कहते हैं किरचॉफ्स किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। इसी का मतलब होता है नोड भी लिखा रहता है, नोड का मतलब जॉइंट जिसको कहते हो, जंक्शन लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। अब यहाँ पर हम हेडलाइन में वो नीचे वाला वो लिख दिए, हेडलाइन में आप ये डाल सकते हो, सेकंड पॉइंट में हम यहाँ लिखे हैं, इसके अलग अलग पॉइंट बना देंगे, अंडरलाइन कर दो, ये हमारे हो गए। अब जहाँ पर एक जंक्शन है, यहाँ करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है, या इस तरह से कई सारे जंक्शन हैं, कहीं से करंट आ रहे हैं, कहीं से करंट जा रहे हैं, तो इस करंट में बुक वाले का मेथड छोड़ो, आप सिंपली अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अलजेब्रिक सम द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स एट ए जंक्शन इज जीरो, दैट इज यहाँ पर हम लिख देते हैं सिग्मा आई दिस इक्वल टू जीरो, ये आपके इसके हो गए। अब लॉ आपने लिख दिया, हम यहाँ पर इसको भी पार्ट वाइज बना देते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में आप सेकंड का कर लेते हैं, ये ए पार्ट लिख दिया आपने, बी पार्ट में आप एक्सप्लेनेशन दे दो, एक्सप्लेनेशन में आपके यहाँ लिख दिए एक्सप्लेनेशन, ये हमारे हो। अब एक्सप्लेन जो करेंगे बेटा, मान लो इस तरह से आपने कई सारे बना दिए, ये बना दिए कई सारे, ये आपके I1, I2, I3, I4, I5, इस तरह से आपने ये जंक्शन हो हुआ है, अब इसके जैसे एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो तो डायग्राम आपने देख लिया I1, I2, I3 ये आ रहे हैं यहाँ पर, और I4, I5 जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम किसको करंट सही माने, प्लस माइनस इसका भी रहता है, तो आपको इसमें लिखना क्या है, देखो पार्ट वाइज बना देना, द स्केमेटिक डायग्राम ऑफ ए जंक्शन ओ इज शॉन इन फिगर, नोट कर दिए। सेकेंड में आप यहाँ पर देख लो साइन कन्वेंशन क्या हम कंसीडर करें, यहाँ पर सिंपली इनकमिंग करंट टुवर्ड्स द जंक्शन इज
taken positive. Positive incoming current towards the junction is taken positive, and outgoing current from the junction is taken negative. एंड देख लिया आपने थर्ड पॉइंट में, यहाँ पर देख ले, अकॉर्डिंग टू KCL, शॉर्ट में आप KCL लिख सकते हो, हमने KCL लिख दिए, आप भी लिख सकते हो, वैसे वहाँ किरचॉफ्स करंट लॉ लिखो तो बेटर है. अकॉर्डिंग टू KCL, समेशन ऑफ I इक्वल टू जीरो, दैट इज इसमें इनकमिंग करंट कौन कौन है सौरभ बेटा बोलो, I1, I2, I3. तो आपने यहाँ लिख दिया I1 प्लस I2 प्लस I3, और आउट गोइंग करंट कौन है I4, I5 माइनस I4 माइनस I5, दिस इक्वल टू जीरो, ये रूल हो गया हमारे पास. अब यहाँ पर देयरफॉर I1 प्लस I2 प्लस I3 दिस इक्वल टू I4 प्लस I5 हम लिख सकते हैं. आ गए समझ में? ऊपर आपने नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ाऊं. Hence KCL is also stated as follows. KCL law को जैसे आपसे पूछते हैं तो हमने बताया था algebraic sum of current at a junction is zero, वो भी लिख सकते हो, और अभी जो लिख रहा हूँ वो भी लिख सकते हो. देखो, the sum of incoming current to a junction is equal to the sum of outgoing current from the junction, जितना इनकमिंग करंट है उतने आउटगोइंग करंट के बराबर होते हैं. आपने किरचॉफ्स लॉ के अलग अलग पार्ट में देख लिए, ये बी पार्ट था मेरे ख्याल से, बी के ही 1, 2, 3 हुए ना, देख लो एक्सप्लेनेशन के पहले बी. अब आपके यहाँ हैव यू नोटेड, इसको रब कर दूँ. अब इसका किरचॉफ्स लॉ के सी पार्ट में आ जाओ. सी, इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ KCL का इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है. अब इसमें कभी कभी पूछ रहे थे, मान लो एक नंबर में एक लाइन लिख दोगे तो नंबर मिलना नहीं है, तो आधा नंबर ज़्यादा मिलेगा, तो हमें वहाँ पर भी थोड़ा सावधानी रखना है. ये हमेशा याद रखना बेटा, जितने भी मार्क्स के क्वेश्चंस है उसका डबल पॉइंट्स होना चाहिए, ऐसा करने पर आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे. और देख लो टू द पॉइंट है, कहीं कोई मैंने कहानी नहीं लिखा है, इससे टीचर को फौरन लुक में आ जाते हैं बच्चे ने क्या किया. और इसी का इम्पोर्टेंस में आपके आप देख लो, बताओ याद है किसी को?
किरचॉफ्स करंट लॉ सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कंजर्वेशन। अब इतने पॉइंट है हमने बता तो दिए, पेपर में पूछ लेते हैं। जैसे देख लो, यहाँ पर हमने जंक्शन बना दिए, ये दो जंक्शन है, करंट इधर से आया इधर चला गया, इधर से आया इधर से, यहाँ चार्ज कितना जमा है, जीरो। करंट फ्लोइंग, इसलिए करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज अनचार्ज्ड। जिस वायर से करंट जा रहा है चार्ज रुक नहीं रहा है, ये क्वेश्चन बराबर इंट्रेंस में आ जाते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर इज चार्ज अनचार्ज पार्शली चार्ज तो भाई फुल्ली अनचार्ज, बिकॉज अकॉर्डिंग टू KCL टोटल इनकमिंग करंट इज गोइंग टू आउट गोइंग, जितना चार्ज आया उतना चला गया। मीन्स चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड हेयर, सो वी से दैट इट्स सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये अब इसका यूज कहाँ करते हैं, यूजेज, यहाँ पर इसको हम पॉइंट ही बना देते हैं, ये सी पॉइंट में आपने ये लिख दिया, या इसी में लिख सकते हो, इसी में जोड़ दो यूज। सेकंड, KCL इज KCL कैन बी यूज्ड इन क्लोज्ड सर्किट एज वेल एज इन ओपन सर्किट, दोनों जगह इसका यूज होता है। ये दो पॉइंट तो हमारे पास आ गए, इंपॉर्टेंस में लिख दिए, या सिंपली पूछ लिया व्हाट इज वेयर कैन बी यूज, वेयर कैन बी यूज, KCL कैन बी यूज इन ओपन सर्किट एज वेल एज इन क्लोज सर्किट, का मतलब ये ओपन में भी इसका यूज होगा और क्लोज में भी इसका यूज होगा। आए बात समझ में, अब आपके थर्ड में आ जाओ, हो नोट कर लिए सारे, इसी पर एक क्वेश्चन यहां दे देते हैं, देख लो, इस क्वेश्चन को बना के देख लो। मान लो यहां से करंट दे दिया, इस तरह से चले गए, मान लो 3 एम्पियर 4 एम्पियर, यहाँ लिख देगा I=1 = what, फिर आपसे क्वेश्चन बना देंगे यहीं पर 2 एम्पियर, यहाँ बना दिए 1 एम्पियर, यहाँ लिख देंगे I=2 = what। अब आपके यहाँ पर बना दिए आपके I3, अब देखो इसमें यहाँ ये बना दिए हैं I3 I4, यहाँ पर हमने फिर लिख दिया 2 एम्पियर और I3 = what। अब आपके आज के पेपर में I1 I2 I3 तीनों का वैल्यू दिया रहेगा यहाँ से। अब इसके देख लो बेटा, According to KCL, I1 = 3 + 4, that is 7 एम्पियर। तो choices एक तो 7 एम्पियर हो गया, दूसरा choices में आपको दे देगा, अब देख लो I2 = 7 एम्पियर - 2 एम्पियर, that is 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर हो गए। अब आगे चल के I3 दे रखा है I4, तो I4
बच गया आपके I3 इक्वल टू 5 एम्पियर माइनस I4 में 2 एम्पियर दैट इज 3 एम्पियर। ये आपके यहाँ तक 5 आ गया, 5 में से ये 2 चले जाएंगे, बाकी ये 3 बच गए। अब आपके चॉइसेस में क्या क्या लिखा रहेगा, 7 एम्पियर, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, आगे पीछे चाहे जो दे दे I1 I2 करके, आए बात समझ में। तो इस तरह से हम किसी सर्किट का ओपन में या क्लोज में करंट पता लगाते हैं। आगे अब ये ओपन सर्किट का था, ये ओपन सर्किट है, और क्लोज में भी हम बता देते हैं। मान लो क्लोज में आपके ये बने हुए हैं, यहाँ से करंट आ रहा था, ये करंट इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, ये अकेले जो भी करंट है मान लो 3 ओम का है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है। अब आपके इसमें से करंट का था बताओ, यहाँ पर आपके I1 लिख दिया, I1 का था बताओ, यहाँ पर आपके I2 लिख दिया, ये का था बताओ, हमने दोनों के दोनों बताने के लिए दिए, यहाँ पर हमने लिख दिया 6 एम्पियर। अब यहाँ पर सीरीज का भी ज़रूरत पड़ रहा है, क्योंकि देख लो बेटा ये तीनों सीरीज में हैं, तो टोटल मिलके सीरीज में तो ऐड करते हैं तो कितना हो गया 3 एम्पियर के बराबर, और ये अकेले यहाँ से 3 एम्पियर है, 3 ओम का है। तो भाई इक्वल को पैरेलल में लगाए हैं, इक्वल को पैरेलल में लगाए मीन्स दोनों में वोल्टेज सेम है, तो करंट हाफ हाफ जाएगा, इसलिए ये कितना हो जाएगा 3 एम्पियर, और ये भी कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। आए बात समझ में। ये हमारा क्लोज सर्किट का एग्जांपल है, क्लोज्ड सर्किट का एग्जांपल था। अब आपके अब आपके थर्ड में आ जाओ, थर्ड हमने इसी में दिए हैं, थर्ड किरचॉफ्स सेकंड लॉ, लेकिन ये लॉ कहाँ का है, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट का है। सेकंड लॉ या इसी का दूसरा नाम क्या रखा हमने, किरचॉफ्स लूप लॉ, इसी को हम लूप लॉ भी कहते हैं क्योंकि ये क्लोज सर्किट है। और तीसरा नाम है इसका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये दोनों कंडीशन में आपके। अब यहाँ पर जैसे इसमें लिखते हैं, हर बुक वाले लिखने वाले के सबके अपने अपने तरीके होते हैं, अब इसी का हम पार्ट वाइज बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू KVL, शॉर्ट में इसी को हम KVL कहते हैं, KVL द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस लिखो या चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज जीरो। यहाँ पर आप दे दिए दैट इज
सम ऑफ डेल्टा वी दिस इक्वल टू जीरो, ये स्टेटमेंट में आ गया। आगे बात समझ में? अब यहाँ स्टेटमेंट में तो आपको कहते हैं केवीएल स्टेट करो और एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अब आपके बी पार्ट में एक्सप्लेनेशन डायग्राम आ जाएगा इतने में। देख लो बेटा यहाँ पर यहाँ तक देख लिया। अब यहीं से हम शुरू करते हैं द एस्केमेटिक डायग्राम, द एस्केमेटिक डायग्राम ऑफ ए क्लोज सर्किट इज शोन इन फिगर। देखो बेटा बी पार्ट का ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड, अब ये सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, अब मेनली यहाँ पर साइन कन्वेंशन हर बुक वाले अलग अलग देते हैं, लेकिन आपने जो साइन, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा साइन है तो ऐसा ही देना है, हम उल्टा भी ले सकते हैं, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए साइन जो हम जनरली जो टेक्निकली देखते हैं, तो देख लो पहला ईएमएफ ऑफ अ सेल इज टेकन नेगेटिव इफ वी
passes, if we move from negative terminal to positive terminal through cell, अब यहाँ पर हमने ये दिखा दिए हैं, ये हमारा EMF है। अब हम मूव इधर कर रहे हैं, मूव इधर है तो ये क्या हो जाएगा माइनस ई, तब हम ए को क्या कंट करेंगे माइनस ई। बी पर इसी इसका भी देख लो बी पार्ट, EMF इज बुक वाले यहाँ वाइस वर्सा लिख देते हैं लेकिन इसे क्लियर करो, EMF इज पॉजिटिव इफ वन मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू सेल के भीतर से आप जाते हो, जैसे ये हमारा है और मूव इधर हो रहा है, यहाँ EMF है तो ये इसको हम प्लस EMF लेंगे, कारण मतलब इसके भीतर से हम यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं, ये हमारा प्लस है ये हमारा माइनस है, यहाँ पर ये प्लस था ये माइनस था, हमने माइनस से प्लस पर गए थे। सी द प्रोडक्ट ऑफ I करंट एंड रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव इफ वी मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, यदि करंट के डायरेक्शन में हम चलते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट तब इसको हम प्लस मानेंगे। जैसे हमारे पास ये देख लो समझने के लिए, ये आ रहा है करंट का आय है, मूव हमारा ये है मूविंग इधर है, इस केस में प्लस आई आर हो गया। अब इसमें डी देख लो, द प्रोडक्ट ऑफ आई करंट एंड रेजिस्टेंस इज टेकन नेगेटिव इफ वन मूव्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आपके ये हमारे पास हैं करंट आई है, ये आर है और देख लो मूविंग इधर हो रहा है, मूविंग इस डायरेक्शन में है, इसको हम लेंगे माइनस आई आर। बेटा ये साइन कन्वेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये समझ में आ गए तो इसके सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, नहीं समझ में आएंगे तो नहीं बनेंगे। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पर तो देखो ये आपके बी पार्ट का था, अब इसमें हमने नंबरिंग इस तरह से कर दिए हैं, दैट इज रॉन्ग। ये हमारा हो गया, अलग नंबरिंग हो गए। आगे बात समझ में? अब इसमें से देखो बेटा, ए बी एक्सप्लानेशन लिख रहे थे, एक्सप्लानेशन का आपने पहला पार्ट यहाँ लिखे, सेकंड ये लिखे, बेटा ये गलत हो रहा है नंबरिंग। ऐसे कर दिया, चलो चेंज कर गया। आगे बात समझ में? क्योंकि इस नंबर का मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, हमें तो मेनली इसके देखना।
आ गए। अब आपके नेक्स्ट में देखो, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट साइन कन्वेंशन देख लिए, थर्ड पार्ट में अब आपको हम यहाँ से ले नोट कर ले ये। अब देख लो थर्ड में अकॉर्डिंग टू KVL इन क्लोज सर्किट ABEF, जहाँ से चले हो वहीं पहुँचना है, तब उसको हम क्लोज सर्किट कहते हैं, तो ABEFA। अब इसमें देख लो, A से B के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई वोल्टेज का कंजम्पशन नहीं है। अब B से E पर जा रहे हैं, B से E पर जाने के रास्ते में करंट आ गया I3, तो I3 R3, और ये इसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो करंट भी इधर है तो प्लस हुआ, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, फिर यहाँ भी करंट के डायरेक्शन में ही है प्लस I1 R1। और हम यहाँ पर अभी क्या बताए थे, प्लस माइनस से प्लस इसकी सेल के भीतर से गुजरना पड़ेगा, तो -E1 दिस इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया डायरेक्ट है I1 R1 प्लस I3 R3 दिस इक्वल टू E1, मीन्स सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस इक्वल टू सम ऑफ EMFs, यही EMFs हमने दे दिए। एक सर्किट आप यहाँ भी लिख के छोड़ सकते हो, लेकिन एक और सर्किट ले लो जब इतना बड़ा बनाए हैं, तो ABCD इन क्लोज्ड, अगेन लिख देना, अगेन इन क्लोज्ड सर्किट ABCDEFA। देखो बेटा, हम ए से चले थे, बी पर आए, सी पर गए, डी पर, ई पर, एफ पर, ए पर, यहाँ तक हम पहुँचे। अब इसके रास्ते में कहाँ कहाँ, हैव यू नोटेड दिस, अब इसके रास्ते में जहाँ जहाँ है अब बताओ। अकॉर्डिंग टू KVL के हिसाब से, ए के बी में कुछ नहीं है, यहाँ ध्यान दो, ए से बी तक कुछ नहीं है, बी से सी तक कुछ नहीं है, यहाँ पर मिल गया ये E2, लेकिन हम प्लस से माइनस पर जा रहे हैं इसलिए प्लस E2। और ये करंट इधर आ रहा है, हम जा इधर रहे हैं, तो माइनस I2 R2, फिर इस रास्ते में कुछ नहीं, यहाँ आ गया ये करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं प्लस I1 R1 माइनस E1 दिस इक्वल टू 0। इस आधार पर अब आप लिख सकते हो I1 R1 माइनस I2 R2 दिस इक्वल टू E1 माइनस E2, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस इक्वल टू सम ऑफ EMF। आए बात समझ में, हैंस KVL इज ऑल्सो स्टेटेड एज फॉलोज। अब आपके ऊपर का लॉ हम जिस तरह से लिख दिए थे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन अ क्लोज्ड सर्किट द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ ई
EMFs. आगे बात समझ में? इस तरह से ये लॉ आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो. आगे बात समझ में? Have you noted this side? Now come on this side. C part. C part में अब आप आ जाए. B में explanation था, C में. Significance. Significance or importance. Importance of KVL. KVL का क्या महत्व है? EMF, you know that it is a form of energy which sends out charge in the circuit, जो charge भेजता है, और रास्ते में resistance उसको consume करते हैं. तो resistance के कारण जितना voltage खर्च हुआ उतना इसने दिया, कहने मतलब जितना energy इसने दिया उतना energy खर्च हो गया. इसलिए इसका फिर से देख लो, this law supports the law of conservation of energy. ये law आपके conservation of energy support करता है. That is, energy can neither be created nor be destroyed. Energy given by cell is generally used by resistance in the circuit. Okay. Second, where can I use? यहाँ पर KVL is used in closed circuit only. It can be not used in open circuit. ये केवल closed circuit में use होते हैं. इस तरह से आपने Kirchhoff's law पढ़ लिया. अब dear students, it's my advice, request. Now if you are getting benefit from this video, तो लाइक भी करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब टू गेट फर्दर फ्यूचर वीडियो. तो अगला वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर दो. इस तरह से आपका ये भी मिलता रहेगा कंटिन्यूस.